हेलो फ्रेंड्स, आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रिंग्स सोलो सिक्वा ने मिलकर डिस्ट्रॉय कर दिया है जे उसो को, और ये देख के फैंस काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में क्या हुआ। तो मैं हूँ आपकी दोस्त और आप देख रहे हैं WWE विद स्ट्रिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले रिंग पे आते हैं जे उसो रिंग पे आते हैं, और उसके बाद सोलो सिक्वा, रोमन रिंग्स एंड पोल हेवन की एंट्री होती है। पोल हेवन, सोलो सिक्वा एंड रोमन रिंग्स रिंग पे आते हैं, और उसके बाद सभी को इग्नॉलेज करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पे फैंस जे उसो का सपोर्ट कर रहे थे। ये देख के रोमन रिंग्स कहते हैं कि जानते हो सब तुम्हें क्यों पसंद करते हैं? मेरी वजह से, क्योंकि मैंने तुम्हें राइट हैंड मैन बनाया, मैंने तुम्हें मेन इवेंट जे उसो बनाया, इसलिए सब तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अब तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो, अब तुम द ट्राइबल चीफ बनना चाहते हो। और ये सब सुनकर जे उसो ये कहते हैं कि ना ही मैं द ट्राइबल चीफ बनना चाहता हूँ, ना ही मैं रोमन रिंग्स बनना चाहता हूँ। और ये सब सुन के रोमन रिंग्स शट अप कहते हैं जे उसो को, और ये कहते हैं कि आज तुम जो कुछ भी हो मेरे वजह से हो। ये सब सुन के जे उसो कहते हैं कि मैंने तुम्हें अपना फैमिली जैसा माना, मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहा, लेकिन तुमने क्या किया, ब्लड लाइन के ग्रुप को ही तोड़ दिया, तुमने एक फैमिली को तोड़ दिया, तुमने जिमी उसो को तोड़ दिया, और तुम्हारे वजह से ही द ब्लड लाइन की ग्रुप अब टूट चुकी है पूरा तरह से। और ये सुन के रोमन रिंग्स कहते हैं कि मेरे वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से टूटी है। जब जिमी उसो इंजर्ड था तो तुमने क्या किया, तुमने उसका फायदा उठाया, तुम और बन गए द राइट हैंड मैन, लेकिन तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा, तुमसे अच्छा तो तुम्हारा छोटा भाई है। रोमन रिंग्स यहाँ पे सोलो सिक्वा के बारे में बातें कर रहे हैं, और यहाँ पे रोमन रिंग्स ये भी कहते हैं जे उसो को कि तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो, क्योंकि तुमने अपने भाइयों का फ़ायदा उठाया है। जब जिमी उसो इंजर्ड था तो तुमने उसका फ़ायदा उठाकर द नेक्स्ट राइट हैंड मैन बने। और यहाँ पे रोमन रिंग्स एंड जे उसो में इसी बात में बहुत देरी तक ही बहस होने लगती है, और यहाँ पे जे उसो लास्ट में यही कहते हैं कि मैं तुम्हें समर स्लैम के अंदर दिखाऊंगा, मैं इस मैच को जीत के दिखाऊंगा, द नेक्स्ट ट्राइबल चीफ बन के दिखाऊंगा। और यही सब कहते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में एंड एटीट्यूड में, और ये देख के रोमन रिंग्स एंड सोलो सिक्वा देखते ही रह जाते हैं। और उसके बाद मेन इवेंट में हमें देखने को मिलता है ग्लेशियर वर्ल्ड वर्सेस जे उसो का मैच। ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे रिंग साइड में हमें रोमन रिंग्स, सोलो सिक्वा एंड पोल हेवन भी देखने को मिलता है, और यहाँ पे जे उसो अपना फ्लैश लगाकर जीत जाते हैं इस मैच को। और ये देख के सोलो सिक्वा आते हैं जे उसो के ऊपर अटैक करने के लिए, अपना समर स्कैप लगाने, लेकिन यहाँ पे जे उसो ही सुपर किक लगा देते हैं सोलो सिक्वा के ऊपर। उसके बाद रोमन रिंग्स आते हैं, रोमन रिंग्स को भी स्पियर लगा देते हैं जे उसो, और जैसे ही यहाँ पे जे उसो स्प्लैश लगाने का कोशिश करते हैं, पीछे से आकर अटैक कर देते हैं जे उसो अटैक कर देते हैं, और उसके बाद रोमन रिंग्स अपना स्पियर लगा देते हैं जे उसो के ऊपर। उसके बाद सोलो सिक्वा अपना समर स्कैप लगा देते हैं, और ये देखकर फैंस काफ़ी ज़्यादा बुक करने लगती है रोमन रिंग्स को। तो यहाँ पे रोमन रिंग्स को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और रोमन रिंग्स फिर से स्पियर लगा देते हैं, और सोलो सिक्वा फिर से अपना एक समर स्कैप लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूरा तरह से जे उसो को डिस्ट्रॉय कर दिया है रोमन रिंग्स एंड सोलो सिक्वा ने मिलकर। तो आज की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बस इतना ही। तो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल में, और देखते रहिए WWE विद स्ट्रिया। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।